बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हमारा आज का जो टॉपिक है वो सीरत तैयबा से मुतालिक है, और हमने इसको लास्ट टाइम जो है वो स्टार्ट किया था, और इसमें हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था सीरत तैयबा में वो था हज़रत अबू तालिब की किफ़ालत में, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अबू तालिब के पास रहे, उन्होंने आपके साथ कैसा सुलूक किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने आप सल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि आप सल्लम के वालिद जो हैं आप सल्लम के इंतकाल से पैदा होने से पहले इंतकाल कर गए थे, सॉरी, और फिर जो है आपकी परवरिश आपकी वालदा ने की। आप सल्लम जब 6 साल के हुए तो आपकी वालदा का इंतकाल हो गया, फिर आप सल्लम की परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की, फिर आप सल्लम जब 8 साल के हुए तो आप सल्लम के दादा भी इंतकाल फरमा गए। ठीक है, तो आप लोग जो है पेज नंबर 14 निकाल लीजिए और हम उसको आगे से मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज जो है आज हम इसको आगे से पढ़ेंगे। आप सल्लम के दादा वफात पा गए इसके बाद से, ठीक है, दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हज़रत अबू तालिब के सुपुर्द की। ठीक है, यानी जब दादा का इंतकाल हो गया तो दादा ने जो है आप सल्लम की जो परवरिश है इसके सुपुर्द की, हज़रत अबू तालिब के सुपुर्द की। ठीक है, फिर जो है अब हज़रत अबू तालिब कौन थे? आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा। हज़रत अबू तालिब जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे। हकीकी का मतलब सगे चचा थे। चचा कौन होता है? जो वालिद के जो भाई होते हैं उनको चचा कहते हैं। जिस तरह आप लोगों के जो पापा हैं, अबू हैं, उनके जो छोटे भाई हैं वो आपके चचा हैं। ठीक है, तो हज़रत अबू तालिब जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद हज़रत अब्दुल्ला थे उनके छोटे भाई थे, उनके भाई थे, सॉरी। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो हज़रत अबू तालिब जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत अबू तालिब को अपने भतीजे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और अपनी औलाद से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़्याल रखते थे। ठीक है, समझ आई? तो हम इसको भी पॉइंट्स बना सकते हैं। हज़रत अबू तालिब जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखते, ठीक, आप सल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। तो देखिए आप, वो आप सल्लम के हकीकी चचा थे और आप सल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद से ज़्यादा आपका ख्याल रखते थे, यानी कि उनके भी बच्चे थे लेकिन आप के जो चचा थे वो सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते थे, आप सल्लम का ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ सुलाते और बाहर निकलते तो साथ ले जाते। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
तो सात सुलाते और बाहर सात लेकर जाते। ठीक है, यानी जहाँ भी जाते तो आप सल्लम को साथ ले जाते, आप सल्लम के बगैर खाना ना खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम के बगैर खाना नहीं खाते। ठीक है, और कहा करते थे कि मेरा भतीजा बहुत बरकत वाला है, इसके आने से मेरे घर में बरकत हो गई है। हज़रत अबू तालिब क्या फरमाते थे बताइए, इसको हम ऊपर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बनाकर। हज़रत अबू तालिब कहा करते मेरा भतीजा बहुत बरकत वाला है। ठीक है, यानी कि आपको अपने भतीजे यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, आप उनको बहुत प्यार करते थे, हर तरह से उनका ख्याल रखते थे, अपने बच्चों से ज़्यादा उनका ख्याल रखते थे, आप उनको अपने साथ सुलाते, अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते और कहीं बाहर जाते तो अपने साथ लेकर जाते और फिर मोहब्बत से कहा करते थे कि मेरा भतीजा बहुत बरकत वाला है, इसके आने से मेरे घर में बरकत हो गई है। यानी कि आप सल्लम के आने से उनके घर में बरकत हो गई थी। बरकत का मतलब होता है इजाफा हो जाना, तो उनकी हर चीज़ में जानवर जो है उनके अच्छे हो गए थे, दूध ज़्यादा देने लगे थे और बाकी उनको जो है वो तिजारत और कारोबार में भी फ़ायदा होने लगा था। इसलिए आप सल्लम को फरमाया करते थे कि आपके आने से मेरे घर में बरकत हो गई। ठीक है बच्चों, बस समझ में आ गई। तो इस तरह जो है वो आपने देखा कि हज़रत अबू तालिब जो कि आप सल्लम के सगे चचा थे, उन्होंने किस तरह आपकी परवरिश की। अभी हम ये चैप्टर हमारा भी बाकी है, अभी उसको मज़ीद करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज अभी जो है आपकी क्लास वर्क का वक्त हो गया है, तो जल्दी से अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए ताकि आज का क्लास वर्क हो जाए। ये है आपका क्लास वर्क। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका खाली जगह पूर करें। ठीक है, तो आज की पहली खाली जगह, दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हज़रत दैश के सुपुर्द की। किसके सुपुर्द की भी आपको याद है, जब दादा का इंतकाल हो गया था तो उन्होंने आप सल्लम को किसके हवाले किया था। वेरी गुड, हज़रत अबू तालिब की।
हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी दैश थे, कौन थे आप सल्लम का क्या रिश्ता था उनसे? वेरी गुड, वो आप सल्लम के सगे चचा थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन फिल करेंगे आप लोग खुद, ठीक है? तो आज अभी सेकंड क्वेश्चन है आपका क्लास वन का, वो क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपको मालूम है एमसीक्यूज का होता है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज आज का, हजरत अबू तालिब अपनी दैश से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते थे, ठीक है? तो अपनी बीवी से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, या अपनी, बस ठीक है? तो आपको मालूम है आप हज़रत अबू तालिब अपनी किससे ज़्यादा ख्याल रखते थे सबसे ज़्यादा आप सल्लम का? बिल्कुल सही, औलाद से। हज़रत अबू तालिब कहाँ करते थे? सेकंड एमसीक्यूज, हज़रत अबू तालिब कहा करते थे कि मेरा भतीजा बहुत दहेज वाला है। जी बच्चों, क्या कहते थे? बहुत इज्जत वाला है, बहुत रहमत वाला है, या बहुत बरकत वाला है। वेरी गुड, समझ में आ गया ना आप लोगों को? आवाज़ आ गई मुझे आप लोगों को? सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एमसीक्यूज का, अब आप थर्ड क्वेश्चन कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। चले थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए, वो क्या है? तीसरा क्वेश्चन, जुमले दुरुस्त करें, ठीक है? तो पहला जुमला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के कौन थे बताइए? भांजे थे, बेटे थे? भांजे तो नहीं थे ना, बेटे थे, बेटे भी नहीं थे, फिर क्या थे? भतीजे थे। तो आपने यहाँ भांजे की जगह क्या लिखना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के भतीजे थे, ठीक है? तरीका आगे समझ लें। अगला क्वेश्चन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के आने से अबू तालिब के घर में अबू तालिब के घर में क्या हो गई थी बताइए? रहमत हो गई थी, नहीं ना? बुक के हिसाब से क्या है? वैसे तो रहमत भी थी, आप सल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं, तो रहमत भी हो गई थी, लेकिन आपने बुक के हिसाब से करना है तो क्या हो गई थी? बरकत हो गई थी। वेरी गुड, तो ये आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो गया। अब आप होमवर्क लिखें, ठीक है बच्चों?
होमवर्क में आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दादा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? ठीक है, सवाल नंबर दो, हज़रत अबू तालिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सुलूक करते थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या करते थे, पूरी बात लिखनी है आपने। ख्याल रखते थे अपने औलाद से ज़्यादा, आप सल्लम अपने साथ सुलाते थे, अपने साथ खाना खिलाते थे, और जब बाहर निकलते थे तो आपको साथ ले गए जाते। ठीक है, ये सारी बातें लिखी। और आप बताइए, हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करते थे? ठीक है, तो ये था आपका आज का होमवर्क। इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।